प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर माननीय त्रिची शिवाजी के द्वारा यहां सदन में लाया गया था और एक बड़ी खबर अखबारों में छपी कि वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद कोई प्राइवेट मेंबर बिल इस सदन में पास किया गया और वो ट्रांसजेंडर से संबंधित था। इसका एक बहुत सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया इस सदन के बारे में, इस सदन की उपयोगिता के बारे में, खास तौर से प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, जब इस सदन ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल को सर्वसम्मति से पास किया मान्यवर। लेकिन उस बिल के साथ क्या हुआ, लोकसभा में जाकर उसको बदल दिया गया। आप बड़ा मन दिखाते, एक प्राइवेट मेंबर बिल कई दशकों के बाद पास हुआ था, उसको बड़े हृदय से आप उसी स्वरूप में पास कर देते लोकसभा में। मैं समझता हूं इसका एक अच्छा संदेश आपकी सरकार के बारे में जाता, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने उसमें तमाम परिवर्तन करके किन्नर समाज के तमाम प्रतिनिधि और उनके संगठन के लोग हम लोगों से मिलने भी आए थे मान्यवर। दिल्ली की अगर हम बात करें, हमने ट्रांसजेंडर बोर्ड दिल्ली के अंदर बनाया अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, उनको अधिकार देने के लिए, उनको शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके हर स्थान पे उनकी मदद के लिए क्या नीति सरकार बना सकती है इसके लिए। लेकिन जो मूल बिल था मान्यवर त्रिची शिवाजी का, उस बिल में 2% आरक्षण किन्नर समाज के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए मांग की गई थी, उसका प्रावधान था। जो मूल बिल था उसमें जैसे पिछड़ा वर्ग कमीशन है, एससी एसटी कमीशन है, इसी तरीके से ट्रांसजेंडर्स के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी हितों की सुरक्षा के लिए एक कमीशन बनाने का सुझाव था, एक प्रावधान था, उसको आपने गायब कर दिया। 2% आरक्षण की बात आपने गायब कर दी और आपने एक प्रावधान ऐसा लाया जिससे उस पूरी कम्युनिटी को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उस पूरे समाज को आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर कि किसी पुरुष को अगर अपने आप को वो घोषित कर दे मेल तो वो पुरुष हो गया, किसी महिला को अगर वो फीमेल घोषित कर दे तो महिला फीमेल हो गई। लेकिन आपने ट्रांसजेंडर के लिए, किन्नर समाज के लोगों के लिए एक ऐसा अपमानित करने वाला प्रावधान शामिल कर दिया कि उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद आप उनको ट्रांसजेंडर घोषित करेंगे। यह कौन सा प्रावधान है मान्यवर, यह कौन सा नियम है आपका, यह क्यों आप बिल के अंदर लाना चाहते हैं? तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा मान्यवर कि आपसे तो वैसे ही किसान दुखी, युवा दुखी, कर्मचारी दुखी, व्यापारी दुखी, सभी वर्गों को आपने, महिला दुखी, सभी वर्गों को आपने दुखी कर रखा है। किन्नर समाज के लिए हमारे समाज के अंदर मान्यता है कि उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उससे तरक्की और विकास होता है, खुशहाली आती है आपके जीवन में। धन्यवाद। तो किन्नर समाज का कम से कम उनके साथ तो न्याय कीजिए। धन्यवाद। उनको दुखी मत कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद। और मैं इसलिए मांग करता हूं अपनी पार्टी की ओर से कि इस बिल में जो ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो किन्नर समाज को अपमानित करने का काम करेंगे, इसलिए इस बिल को आप सेलेक्ट कमेटी को भेजें और जो सुझाव माननीय सदस्यों के आए उसको आप शामिल। धन्यवाद।